भारत सरकार द्वारा यह निर्णय कि प्रवासी मजदूरों एवं छात्रों को विद्यार्थियों को राज्य सरकारें उनके घर वापस भेजने की व्यवस्था कर सकती है देर से उठाया गया सही निर्णय है, लेकिन यह निर्णय दूसरे लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही की जानी चाहिए थी और इस निर्णय में भी काफी त्रुटियां हैं, अविवेकपूर्ण और दूरदर्शी नीतियां हैं। मजदूरों को और छात्रों को बस से लाने की जो प्रक्रिया है वो काफी द्रुह है। जहां तक बिहार का सवाल है, 15 से 20 लाख प्रवासी मजदूर देश के विभिन्न हिस्सों में और विद्यार्थी पड़े हुए हैं। उन तमाम लोगों को बस से लाना न व्यवहारिक है न सुरक्षित है। एक बस में 30 से 40 लोग लाए जा सकते हैं और ऐसी परिस्थितियों में हजारों बसों की व्यवस्था करना निश्चित रूप से किसी भी सरकार के लिए काफी द्रुह काम है और उनको सुरक्षित पहुंचाना भी। ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार को एक और निर्णय लेना चाहिए कि वैसे स्थान जो जहां पर बल्क रूप में मजदूर हैं, दिल्ली है, सूरत है, अहमदाबाद है, वैसी जगहों पर, महाराष्ट्र है, वैसी जगहों से स्पेशल ट्रेनों का परिचालन तत्कालिक प्रभाव से शुरू कर देना चाहिए, अन्यथा काफी अव्यवस्था पैदा होगी और वो लेने के देने पड़ जाएंगे, फायदा के बदले में नुकसान होगा और काफी अव्यवस्था पैदा होगी।